जय श्री राम। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल विकास राम विक्की में। तो आज की मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे कि हम कभी कभी अपनी ताकत का अभिमान करते हैं, कभी कभी हम जो गरीब आदमी होता है उस पर अपनी ताकत दिखाते हैं, या कमज़ोर आदमी भी अपनी ताकत दिखाते हैं। कभी कभी कोई मेंटली डिस्टर्ब आदमी हो या कोई हो तो हम उसके ऊपर मजाक बनाते हैं और फिर बड़े हंसते हैं कि हमने बड़ा बहादुरी का काम कर दिया। तो उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक गरीब आदमी मछली पकड़ रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक अमीर आदमी आता है, वो भी मछली पकड़ने लगता है। थोड़ी देर में देखता है कि जो गरीब आदमी था उसने मछली को पकड़ लिया था। तो अमीर आदमी जो था वो मछली नहीं पकड़ पा रहा था, तो उसने ज़ोर ज़बरदस्ती करके जो मछली थी गरीब आदमी से छीन ली और चला गया। मछली जो थी वो अभी पूरी तरह से मरी नहीं थी, तो उसने क्या किया, उसका अंगूठे को काट लिया। तो जैसे अमीर आदमी के अंगूठे को काट लिया तो उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो वो डॉक्टर के पास गया। तो जैसे वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन हो गया है। उसने बैंडेज कर दिया और बोला 4 दिन के बाद दिखा देना। 4 दिन बाद जब वो अमीर आदमी डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन बढ़ गया है, अंगूठा काटना पड़ेगा। तो फिर अंगूठा काट दिया। बोला 4 दिन बाद फिर से आया। वो 4 दिन के बाद फिर से गया तो इन डॉक्टर ने देखा कि इन्फेक्शन बढ़ गया। उसने कहा कि हाथ काटना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा 4 दिन बाद फिर से आना। तो ऐसा ऐसा करके उसकी आधी बाजू जो थी वो कट चुकी थी। तो एक दिन वो बड़ा परेशान था, वो बैठा था। तो उसको किसी ने कहा कि भाई तूने कुछ ऐसा गलत तो नहीं किया जिसके कारण तुझे ये सब हो रहा है। उसको याद आई कि मैंने ऐसा एक गलत काम किया था, अपने पैसे के अभिमान में गरीब आदमी की जो थी वो मछली छीन ली थी। तो एक काम करता हूँ, उसको ढूंढता हूँ और उससे पूछता हूँ कि हुआ क्या है। तो उसको ढूंढने निकल गया, उसको आदमी मिल गया। उसने कहा कि भाई तूने ऐसे, मैंने तो सिर्फ तेरे से एक मछली ली थी, तूने ऐसा क्या कर दिया। उसने बोला मैंने क्या करना, आपने अपनी ताकत मुझे दिखाई, मैंने आसमान की तरफ देखा और भगवान को कहा कि भगवान तो अपनी ताकत आप दिखा देना, तो भगवान ने तुम्हें अपनी ताकत दिखा दी। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें गरीब आदमी से अपने मतलब अपनी पावर नहीं दिखानी चाहिए। उसे ये नहीं दिखाना चाहिए कि वो गरीब है हम अमीर हैं, क्योंकि कभी कभी हमने कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है कि गरीब आदमी की या बेसहारा लोगों की जो है वो भगवान जल्दी सुनता है। तो ये छोटी सी कहानी थी। जय श्री राम।